वेलकम, माई सेल्फ सौरभ शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, तभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझ सकते हैं। तो अगर आप देखो तो चार्ज क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द एवरी चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे एक फोर्स लगाती है, और वो फोर्स है क्यू। सो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये कैरी करना चाहिए कि हर तरीके का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स फील करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, कि यदि कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया जाए तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दैट इज, आप अगर ध्यान से देखो तो हम ये बात बोल सकते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एविडेंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि VA माइनस VB इज इक्वल टू होता है माइनस E डॉट DL। ओके, सो दैट मींस कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मे बी इट्स यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका कि हर तरीके का कंडक्टर चाहे कैसा भी हो, वो कंडक्टर आइसोलेटेड है या कनेक्टेड है, आई डोंट वांट टू केयर, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एवरी कंडक्टर हैव अ प्लेनरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हर तरीके के कंडक्टर्स में अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक्चुअली कंडक्शन बैंड में घूमते रहते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट। सो हम बेसिकली इन दो तीनों पॉइंट्स को राइट डाउन करते हैं एक बार यहां पर, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहला पॉइंट ये है कि एवरी चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। सेकंड क्या है, आप जरा ध्यान से देखिए, सेकंड क्या है, सेकंड ये कह रहा है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एविडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब है कि जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि एवरी कंडक्टर हैव प्लैनरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इन तीन पॉइंट्स को हम समझते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं कि डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। तो लेट अस सी, अगर आप कोई कंडक्टर कंसीडर कर रहे हो, से मान लो आपने कोई कंडक्टर लिया लाइक दिस, और इस कंडक्टर को एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया सच लाइक दिस। मान लो ये एक सोर्स ले लिया, इस सोर्स से कनेक्ट कर दिया वाया स्विच। ओके, इस सोर्स का ईएमएफ वी। तो जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा इस कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। से मान लो इधर पोटेंशियल V1 हो गया और इधर V2 हो गया। सो मैं लिख सकता हूं कि V1 माइनस V2 जो है वो EMF ऑफ द बैटरी के बराबर होगा। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो तो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर कहीं पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो V1 इज ग्रेटर देन V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। Why the direction of electric field in here? Because the electric field की direction में जाने पे potential घटता है। So ये बात ध्यान रखिएगा कि ये higher potential है, point है, और ये lower potential terminal है। अब हमने दूसरी point पढ़ा कि conductor have a plenary of free electrons। So यहाँ बहुत सारे free electrons हैं इस तरीके के, ठीक है ना। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, एवरी चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हर तरीके का चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट होने की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर मैं ये वाला चार्ज लू तो ये चार्ज देखेंगे कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाई? बिकॉज
क्योंकि ये जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करता है। सो ये अपनी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। सो अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ही सोर्स कनेक्ट किया पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो, पोटेंशियल डिफरेंस ने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाया और इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो। सो देखा जाए तो अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां चलने लगे। और एक्चुअली दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली व्हाट, दिस अ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें ये समझ में आया कि करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। ओके, अब बात आती है भैया कि कितना चार्ज, कितना करंट है, दैट मींस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। सो अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ओके, कितनी करंट बह रही है, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज जो है फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि ये मान लीजिए इस तरीके से कंडक्टर को 2 सेक्शन में कट कर दिया, टी इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रॉन्स यहां थे और टी इक्वल टू 1 सेकंड पे इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, इसका मतलब 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, सिर्फ जितने इस सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो एक्चुअली इतने ही इलेक्ट्रॉन्स का 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल। तो एक्चुअल में स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या कह रही, इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर सेकेंड। सो प्लीज इस बात को आप याद रखिए, इसको हम और भी लैंग्वेज में बोलते हैं, इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, सो टर्मिनोलॉजी है इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकेंड निकलेगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक फिनोमिना ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मान लीजिए लेट 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 क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोस इन अ कंडक्टर एट अ टाइम टी, एट अ टाइम टी देन करंट इन अ कंडक्टर इज, अब करंट की बात करेंगे आई, तो आप देखो अगर टी टाइम में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज निकल रहा है, अगर टी टाइम में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज निकल रहा है तो 1 सेकंड में कितना चार्ज निकलेगा, इट्स अ क्यू बाई टी। ओके, तो देखा जाए तो ये बन गया आपके पास टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम ठीक बाय द चार्ज इन द फ्लोइंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू सेकेंड टर्मिनल। ओके, या अनदर टर्मिनल। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, सो लेट अस सी। आप देखिए, आपको मैं कुछ समझा रहा हूं और डिटेल में। सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर कि अगर मैंने देखा कि करंट हमारे पास आ गई क्यू बाई टी, तो अगर एक कंडक्टर ले ले और उस कंडक्टर में मैं ये बात कहूं कि यार इस कंडक्टर में इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, इसमें डेल्टा क्यू चार्ज का फ्लो हो रहा है डेल्टा टी टाइम में, तो जो करंट हो जाएगी दिस इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एवरेज करंट, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टोटल टाइम। ओके, अच्छा अब आप एक बात और समझ लो, यहीं पर एक करंट होती है एवरेज, दूसरी होती है आपके पास इंस्टेंटेनियस। तो जो इंस्टेंटेनियस करंट होगी, इंस्टेंटेनियस करंट, ओके, जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा वो एक्चुअल में क्या कहता है, यदि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो, मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम,
अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो तो यहां पर जो आई हो जाएगा, दिस इज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी बिकम्स डी क्यू ओवर टी टी। इसको ऐसा समझते हैं यार, इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक रूम है और उस रूम का साइज हर साल वन ईयर में 5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ठीक है। अब वन ईयर में 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो एवरेज चेंज इन साइज कितना आ गया, दिस इज अ 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर, ओके। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि भैया एक दिन में कितना चार्ज पड़ेगा, तो देखा जाए तो वन ईयर के रिस्पेक्ट में एक दिन क्या हो गया, बहुत छोटा सा समय हो गया, लेकिन वो क्या हो गया, पर्टिकुलर टाइम हो गया ना कि यार एक दिन में, ठीक है ना। सो एक दिन में जो चेंज होगा वो अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। सो दिस चेंज इज कॉल्ड अ वेरी स्मॉल चेंज इन अ चार्ज डिवाइडेड बाय पर यूनिट वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। सो एक्चुअली डी क्यू इज क्या है, वेरी स्मॉल टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल पर यूनिट टाइम। सो याद रखिए ऑलवेज यूनिट क्या होता है, इट्स अ एम्पियर, दिस अ एसआई यूनिट, और दूसरी चीज है क्वांटिटी है आपकी स्केल। सो आई होप कि यू डू टू दिस